नफ़रत की राजनीति पे लोगों को गुमराह किया जा रहा था। लोग इससे परेशान अब इसलिए हो गए हैं और भावुक होना बंद हो गए, क्योंकि अब घरों में महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी है, जो युवा हैं आप देख रहे हैं परेशान घूम रहे हैं। तो आखिर में जिस नफ़रत की राजनीति पे भाजपा आगे बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं जनता भी गुमराह हुई थी, जनता भी भावुक हो चुकी थी, वो चीज़ अब बदल गई है और लोगों को समझ आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सबको साथ लेकर चलती, जो सबका साथ सबका विकास मोदी जी बोलते थे, वो आखिर में ज़मीन पे कांग्रेस पार्टी ने ही दिखाया था यूपीए की सरकार के वक्त पहले, और आज भी वही लेकर आगे बढ़ रही है। तो सबको जो साथ लेकर चलेगी वो कांग्रेस पार्टी ही है। अगर हम खास करके यहाँ आज हथिन में हैं, देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों में तो ना कोई यहाँ पे तरक्की हुई है। फुल पावर से अपनी तरफ से मैं काम करूँगा, नहीं मिले तब भी यहीं पर रहूँगा और काम करने की उम्मीद। सर, विधानसभा की अगर बात करें, चुनावी मुद्दे क्या हैं? जी तो चुनावी मुद्दे ये हैं, अभी दो और दावेदार हैं, दो जो स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं, दो तीन और दावेदार हैं, बट देखिए अब हम पार्टी की तरफ से हमने भी वो मांगी हुई है, अब इंशाल्लाह अगर टिकट मिले तो लड़ेंगे। और यहाँ पे नहीं, अभी मैं ग्राउंड पे जब से घूमना स्टार्ट किया है मैंने, तब से यहाँ पे एक तो स्कूल्स की इतनी प्रॉब्लम, पानी की कितनी समस्या है, जगह जगह पे सीवर नहीं लगे हुए, वो लगवाने हमें सीवेज के लिए, तो इन सब में काम करेंगे आगे जाके, जिससे बिल्कुल नहीं हुआ है पिछले 10 साल में। और स्कूल भी अगर आप देखें, कोई भी स्कूल भी जो अपग्रेड होते पहले हुए थे, उसके बाद से 10th तक है, कोई हाई स्कूल का वो नहीं है यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी भी एक ही है मेडिकल कॉलेज, तब से चले जा रही है, उसके बाद से कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी नहीं आई है। हॉस्पिटल भी अगर आप देखें, कोई प्राइवेट अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी कोई सुविधाएँ नहीं है। तो इन सब पर हम काम करेंगे, मेनली एजुकेशन पर, और यहाँ पर पानी की समस्या तो सबसे बड़ी है, और यहाँ पे शादी का मुद्दा, यहाँ पे दहेजी मुद्दा कितना वो है खराब, क्योंकि जब भी इंशाल्लाह आगे जाके हम भी शादी करेंगे तो फुल सादगी से करेंगे, और यहाँ पे हमने लोगों से जाके बात की, शादी का बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग अपने प्लॉट बेच के 15-20 लाख रुपए के प्लॉट बेच के उन्हें आगे देने पड़ते हैं दहेज के लिए, जो वो भी आगे इंशाल्लाह उससे भी हम काम करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करा जाए। सर, आपके सामने बड़े चेहरे हैं, जिस तरह से अपने आप को देख पा रहे हैं विधानसभा में, जैसा आप उतरे आप नए हैं, बिल्कुल युवा हैं। हमें 6-7 महीने हुए यहाँ पे काम करे, लेकिन जितने स्पीड से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो मेरे वालिद के नाम की वजह से हो, चाहे वो मेरे दादाजी किदवाई साहब के नाम की वजह से हो, लेकिन लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस एरिया में नया हूँ, पिछले 6-7 महीने में काम कर रहा हूँ, नया हूँ मानता हूँ, लेकिन मेरा काम करने का इरादा है, और अगर जनता दे मौका, पार्टी दे मौका, तो इंशाल्लाह करेंगे हम काम। अगर आप विधायक बन गए यहाँ से अतीन विधानसभा, तो क्या नक्शा बदल दूंगा, यहाँ का काम देख लेना कितनी डेवलपमेंट हो जाएगी। अच्छा, चुनाव से पहले तो सभी बातें करते हैं। नहीं, मैं मेरा तो पहला चुनाव होएगा ये, और मैं तो अपनी फैमिली को देख के आ रहा हूँ कि उनने कितना काम किया था, वही मेरे को सेम काम करना है, मेरे को यहाँ पे झूठे वादे करने नहीं आया हूँ, तो इसलिए जो उनने काम किया है वही काम बढ़ाने आया हूँ। नहीं सर, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी जी, बिल्कुल, और जो हमारे पिछले विधायक हैं कांग्रेस से, जो पिछले विधायक खा रहे हैं, वो मात्र 2-2.5 हज़ार वोटों से आ रहे हैं, फिर कांग्रेस आपको टिकट क्यों देगा? अब हम अपने तरफ से काम कर रहे हैं, हम दिखाएंगे, अगर कांग्रेस दे टिकट हमें तब हम इंशाल्लाह करेंगे, वरना अगली बार के लिए हम दावेदारी करेंगे, इस बार भी हम फुल जोर से मांगेंगे टिकट, वो तो चलिए कांग्रेस के ऊपर है, वो हमें दे ना दे। कैंडिडेट तो हर पार्टी में हर जगह में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स होते हैं, और फाज साहब यहाँ पे हथीन में सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा होता है वो त्रिपाल का मामला है जी, यहाँ पे मुस्लिम और भी कैंडिडेट हैं जी, तो उसको आप किस तरीके से पार कर पाएंगे, वो त्रिपाल का मामला? इसमें देखिए, जो यहाँ पे एक तो मुस्लिम और हिंदू का इतना एकता बहुत है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक जैसे एक हमारे हिंदू भाई भी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, एक मुस्लिम भाई हैं जो टिकट मांग रहे हैं, तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का वो नहीं है। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ गोत्रपाल, मुस्लिमों में गोत्रपाल है जी जी, तो उसमें मुस्लिम बटे हुए हैं गोत्रपाल जी जी, तो उसको आप किस तरीके से पार कर पाएंगे? तो आप जिस गोत्रपाल से संबंध रखते हैं शायद वो गोत्रपाल यहाँ पे नहीं है। नहीं बिल्कुल, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, वो सुधारने के लिए अब मैं काम के मुद्दे उठा के लेके आऊँगा, मैं सिर्फ काम के मुद्दों पर ही मेन यूज करूँगा, बाकी मेरे को उन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखना है अभी के लिए, तो मैं काम करूँगा और मैं आगे के लिए दिखाऊँगा कि इतना काम करूँगा, इतना काम कर सकता हूँ, तो उस पर अगर मेरे को सपोर्ट मिले
तो बिल्कुल मैं यहाँ पे रहूँगा और रहने के लिए आया हूँ, काम करने के लिए। अगर आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया जी, तो फिर भी आप यहाँ रहेंगे? यहाँ पे रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, अगली बार के लिए तैयारी करेंगे। आप देख लीजिएगा, नहीं देखें टिकट तो आप देख लीजिएगा, हम आपको जितना भी देख रहे हैं उतना तब देखेंगे, उससे ज़्यादा ही तब देखेंगे। लास्ट का सवाल आपसे है जी, अतीम विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये अपील करना चाहते हैं कि जो जो यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं और जो जिनने मेरे वालिद साहब को और जो मेरे जो गवर्नर साहब थे उनका काम देखा है, और यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया कि मैं जुड़ा क्यों यहाँ पे, क्योंकि मेरे को इतना प्यार मिला, तो वही काम मैं करके दिखाऊंगा, उससे आगे बढ़कर काम करके दिखाऊंगा मैं। यहाँ का एजुकेशन, यहाँ के हॉस्पिटल्स, यहाँ की जो साफ़ सफाई, उन सब में मेरा मेन फोकस उस पर रहेगा। तो ये है मेरा, और यूथ को आगे, आजकल आप यूथ की हालत देख ही रहे, नीट वीट का जो भाजपा ने किया हुआ है, तो वो सब मेन फोकस मेरा यूथ को आगे बढ़ाना है, एजुकेशन मेरा मेन मुद्दा रहेगा, और बाकी यहाँ पे पानी और इन सब की जो समस्या है वो भी इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे, बाकी मेन इन चीज़ों पे करूँगा, आगे हल्के हल्के फिर और काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी एक मजबूत स्थिति में है, जो राहुल जी ने ज़मीन पे जुड़ के काम किया पिछले खास दो सालों में, अब जनता को समझ आ रही है कि भाजपा ने पूरा प्रोपोगंडा चलाया था इतने वर्षों से एक कांग्रेस पार्टी की और राहुल जी की छवि बिगाड़ने में। आखिर में वो छवि तो बदल रही है, पर साथ साथ जो भाजपा के जुमले थे, जो झूठे वादे थे, वो लोगों ने अब देखना शुरू कर दिया, लोगों की आंखें खुल रही हैं। जिस नफ़रत की राजनीति पे लोगों को गुमराह किया जा रहा था, लोग इससे परेशान अब इसलिए हो गए हैं और भावुक होना बंद हो गए, क्योंकि अब घरों में महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी है, जो युवा हैं आप देख रहे हैं परेशान घूम रहे हैं। तो आखिर में जिस नफ़रत की राजनीति पे भाजपा आगे बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं जनता भी गुमराह हुई थी, जनता भी भावुक हो चुकी थी, वो चीज़ अब बदल गई है और लोगों को समझ आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सबको साथ लेकर चलती, जो सबका साथ सबका विकास मोदी जी बोलते थे, वो आखिर में ज़मीन पे कांग्रेस पार्टी ने ही दिखाया था यूपीए की सरकार के वक्त पहले, और आज भी वही लेकर आगे बढ़ रही है। तो सबको जो साथ लेकर चलेगी वो कांग्रेस पार्टी है। अगर हम खास करके यहाँ आज हतिन में हैं, देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों में तो ना कोई यहाँ पे तरक्की हुई है, सिर्फ मोदी जी के नाम पे अगर कोई जीत जाता है तो वो आराम से बैठे थे, एक तरीके का भरोसा था उनको कि जी सिर्फ नाम पे जीत सकते हैं, काम की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ अब जनता समझ गई है और जनता भी एक बदलाव चाहती है। और आप आगे पूछिए तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पे क्यों हमें युवा चेहरों की ज़रूरत है, यहाँ पे क्यों नया जोश नया खून की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर अब हमारे जो वोटर हैं वो युवा हैं और उनकी समस्या समझने वाला आपको सही एक कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप मानती हैं मैम, आप जो पुराने नेता हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, एमएलए भी यहाँ से कांग्रेस को दिए हैं लोगों ने, तो उन्होंने क्या विकास नहीं कर पाए वो, जो यानी कि नए कैंडिडेट की यहाँ जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल किया है, पर कहने की बात यह है कि जो उनका एक्सपीरियंस साथ में लेकर, उनकी जो उनकी एडवाइस होता है उनका एक्सपीरियंस लेकर अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो आपके वोटर हैं वो भी नए हैं। आज जो वोटर है ज़्यादा प्रतिशत जो है वो युवाओं के हैं, तो आपको नए चेहरे देंगे, लेकिन जो पुराने हमारे लोग हैं उनके मार्गदर्शक के अंदर, तो इसी से देश आगे तरक्की कर सकती है। आपके वालिद साहब मरहूम इस देश के ना सिर्फ कांग्रेस के वो इंट्रोडक्शन और दिमाग रहे, बल्कि मुल्क के लिए देश के लिए बड़े चेहरे थे, वो बड़े बड़े मुस्लिम मसाइल उनके जरिए से हल, तो आप उनकी नियाबत करते हुए इस इलाके मेवात के बारे में क्या खाकर रखती है तरक्की के कारण? जितना मेरी जानकारी रही है तो एक नाता रहा है उनका इस क्षेत्र के साथ, और ख़ास करके आज सुबह मैंने पढ़ा कि कितना उन्होंने यूपीए की सरकार के दौरान और हुडा जी की सरकार के दौरान जो उनसे बन सका यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने किया, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, सड़कें हों, बहुत सारे उन्होंने क्षेत्र में काम किया। तो ये चीज़ जो थी वो सिर्फ मेवात के लिए नहीं, पर देश भर में जहाँ जहाँ उनका हाथ पड़ सकता था, जहाँ जहाँ वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन बेशक पिछले 10 वर्षों में ना हमारी सरकार रही है, तो फिर भी जनता के साथ हमेशा जुड़े रहे
और इसी वजह से आज जो हमारा परिवार भी है, मैं भी आप लोगों के बीच में बैठी हूँ, तो उसी सेवा भाव से बैठी हूँ और एक तरीके से जो लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी रहती हैं तो एक फ़र्ज समझ के आप लोगों के बीच में आए हैं। तो हतीन के पिछड़ेपन में आप किसको जिम्मेवार में मानती हैं? कहीं ना कहीं गलत चॉइस समझ सकते हैं। मैं 10 साल की बात करूंगी तो और आज खास ऑफ कोर्स मैं कांग्रेस पार्टी से हूं तो मैं अपनी पार्टी के लिए तो हमेशा पार्टी को यहां संसदीय सचिव बाबा जलेब खां के नाम से भी यहां दिया है इसे जी। तो फिर भी ये क्षेत्र पिछड़ा रह गया, तो इसीलिए नए चेहरों को मौका दीजिए कि अब वो और समझदारी से और सूझबूझ से काम कर सके। जो गलतियां शायद पहले हुई हैं वो गलतियां आप आगे दोबारा नहीं होंगी, जहां जहां और मेहनत की जरूरत है वहां करेंगे। तो मैम यहां कहा जा रहा है कि जो फरहत भाई हैं बाहरी हैं, इस तरीके से जो पब्लिक से आवाज़ आ रही है कि वो क्या बाहरी को हतीन विधानसभा की जनता अपना पाएगी? वाराणसी में मोदी जी को अपनाया था ना, तो फिर यहाँ कैसे बाहर के हुए? इनके परिवार तो यहाँ से कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं। देखिए हाथ कंगन आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और मेवात को जो समझ सकता है, मेवात का एक इतिहास रहा है और मेवाती लोगों को जो फैसला करते हैं वो यकीन जानिए पूरे मुल्क का फैसला होता है। हमने हमेशा ये महसूस किया है कि जब जब मुल्क में कांग्रेस की बहार आई है तब तब हरियाणा में और मेवात में कांग्रेस मजबूत हुई है। जिस तरीके का माहौल पूरे मुल्क में चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है, निसंदेह जो राजनीति का स्तर भाजपा ने निम्न स्तर पर ले आया है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ मेवात की जितनी सीटें और हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी आने जा रही है। पर हम लोग को जो चुने हुए नुमाइंदे, जैसे हम लोग अगर शादी करते हैं तो ख़ानदान कैसे लोग हैं, दूल्हा क्या करता है, क्या कमाऊ पोत है, कितनी ज़मीन है, ये देख के चलते नहीं चलते हैं। उसी तरह हतीन को मैं कहना चाहता हूँ कि जब अपना नुमाइंदा आप चुनना चाहते हैं तो पहले देख लें कि ख़ानदान कैसा है, पढ़ा लिखा हमारे नुमाइंदा होगा नहीं होगा, साहिब कलम है कि नहीं, साहिब एतबार है कि नहीं, तो उसको चुने जो आपसे एक उनसियत मोहब्बत रखे। ज़ात मज़हब की राजनीति को अब हम लोग को न सिर्फ उससे आगे बढ़ना है, ये देखना है कौन हमारे दिल की धड़कनों को सुने और हमारे लिए कहने से पहले हमारा काम कर दे, उसको आपको चुनना है। देखिए फहद का ख़ानदानी एतबार से जो इनके बाबा और इनके वालिद करते हुए आए हैं, उन्हीं का ही पाक खून इनकी रगों में दौड़ता है। फहद चाहते तो इनके पास में पढ़ने लिखने के बाद में बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफ़र थे, इनके पास में कारोबारी काम करने के लिए इनके पास में उम्मीदें थीं, पर इन्हीं ने वो सब नहीं चुन के जब ये कहा कि मैं जो काम अधूरे खालिद बिलग्रामी साहब आपके वालिद मरहूम के अधूरे रह गए और एआर किदवाई साहब के बहुत से काम जो मैंने आपको गिनवाया, जो डैम एआर किदवाई साहब ने बनाने के लिए सैंक्शन करवाया था ताकि पानी की समस्या दूर हो जाए, हाँ उसको दूर करने के लिए ऐसे नुमाइंदे की ज़रूरत है जिसकी नस में वही खून दौड़ रहा हो, जो कुछ कर गुजरने की चाह हो और जिसमें कुर्बानी का जज्बा हो, और कुर्बानी घर से शुरू होती है। फहद ने, मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूँ, लाखों रुपए की नौकरी को लात मारी। इन्हीं ने कारोबारी एतबार से, ये चाहते तो कहीं आराम से बैठे होते, उसको लात मारी। इन्हीं ने कहा मैं उनके अधूरे काम को पूरा करना चाहता हूँ। इस्लामी तौर से, दुनियावी तौर से ये परिपक्व हैं, बट हाँ अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में सीखेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे। यकीनन हतीन का मुस्तकबिल फहद है और फहद ही हतीन का मुस्तकबिल है, मैं कहना चाहता हूँ। अभी मेवात की 5 असेंबली होते हैं, उसमें हतीन असेंबली एक हल्का है जी। कांग्रेस आज़ादी के बाद से इख्तदार में रही है और ये इलाका बिल्कुल सरहद के किनारे पे है राजधानी का जी। उस सब के बावजूद ना यहाँ तालीम की सहूलत है, ना सेहत, ना जो है सड़कें, ना रोजगार के मौके, ना ट्रांसपोर्ट, तो आप किस क्यों और किस तरह उम्मीद कर सकते हैं हम कांग्रेस से अगर इख्तदार में? मैं क्योंकि लखनऊ से हूं तो आपकी इजाज़त से कह सकता हूं, फ़कत एक राज ये भी है हमारे मुस्कुराने का, हुनर हम जानते हैं कह कहों में गम छुपाने का, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नुमाइंदगी हम
आपके आगे पेश करते हैं वो जब काम करेगा। अगर मैं कहूंगा नहीं, सवाल यह है रियासती कांग्रेस पार्टी से जी, वो सबक लेगी जी, सबक पिछले दो बार से प्राइम मिनिस्टर का 90 पॉइंट प्रोग्राम आया माइनॉरिटीज का, अकलियती यहां पे पैसा आया, माइनॉरिटी कंसेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट बना, डीप बोर हैंडपंप यहां पे पिछले एक साल में आए थे 1000, कितने लगे पता नहीं, हर मदरसे हर मदारिस की बाउंड्री वॉल के लिए यहाँ पे पैसा आया, कितने लगे पैसा वापस चला गया, और ये सारा मल्टी सेक्टोरियल प्लान के अंतर्गत आया। पर चुने हुए नुमाइंदे को जब ऐसा लगने लगे कि मेरी जात और मजहब से मुझे वोट मिल जाए तो बताइए वो काम करेगा। यहाँ पे हम कांग्रेस पार्टी आपको अल्टरनेटिव दे रही है, ये शख्स यहाँ पे कर्म योगी बनने आया है, वो कहना चाहता है कि मैं अगर काम करूँ तो मुझे आप वोट दीजिए, जात और मजहब के तौर पे नहीं, मैं अगर काम करूंगा तो मुझे आइंदा वक्त में आप वोट ना दीजिएगा। तो इनके पास में ऑप्शन ही नहीं होगा काम करने के अलावा दूसरी चीज़ करने का। प्लस तालीम ऐसी चीज़ होती है जो संसद में विधानसभा में आवाज़ उठा के आप अरबों खरबों, एक योजना होती है त्वरित विकास योजना जिसमें 5000 करोड़ का बजट है, जो कि अगर आपका विधायक पढ़े लिखे हों तो लेके आ सकते हैं गांव-गांव तक। राजीव गांधी पेयजल योजना जिसका लगभग 70% बजट यहां से वापस चला गया, यहां पे पेयजल समस्या जो है उसके लिए बड़ा बजट चाहिए। उसी तरह नेशनल वाटर कमीशन कि मैं अगर हम यहाँ के डालेंगे तो हर गांव में यहाँ 20-25 डीप बोर हैंडपंप लगेंगे, ये योजना कौन लेके आ सकता है, जो पढ़ा लिखा हो, जिसको काम के अलावा उसको दूसरा कोई लगता है वोट ना मिले वो ला सकता है। इस वजह से हम अल्टरनेटिव दे रहे हैं। और ये सारी योजनाएं मैं आपसे कहना चाहूँ कांग्रेस की योजनाएं हैं, तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये, याद रखिएगा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हतीन को कांग्रेस का विधायक बनाना नहीं बनाना है ये आपकी पेश नज़र है, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।